इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट लेवलिंग। तो अभी तक हमने चेन सर्विंग और कंपास सर्विंग देखी। हमने चेन सर्विंग में क्या कर रहे थे, हम चेन सर्विंग में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर रहे थे बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। और हम कंपास सर्विंग में क्या कर रहे थे, हम कंपास सर्विंग में बियरिंग फाइंड आउट कर रहे थे किसी भी लाइन की, उस बियरिंग से हम इंक्लूडेड एंगल फाइंड आउट कर रहे थे बिटवीन द टू लाइन्स। अब लेवलिंग क्या होती है, लेवलिंग इट इज़ अ ब्रांच ऑफ सर्विंग विच डील्स विद फाइंडिंग आउट ऑफ एलिवेशन ऑफ गिवन पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन डेटम और रेफरेंस और टू एस्टेब्लिश पॉइंट्स एट अ गिवन एलिवेशन। यानी कि हम लेवलिंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लेवलिंग सर्वेइंग की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी पॉइंट की एलिवेशन फाइंड आउट करते हैं। अब एलिवेशन क्या होता है, एलिवेशन इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस लाइन, और उस रेफरेंस लाइन को हम क्या कहते हैं, डेटम कहते हैं। ठीक है, तो लेवलिंग में हम क्या कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट की एलिवेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू अ डेटम, और एलिवेशन होती क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम अ डेटम और अ रेफरेंस लाइन। अब वर्टिकल डिस्टेंस है तो लेवलिंग हम किस प्लेन में करेंगे, इट डील्स विद मेजरमेंट इन वर्टिकल प्लेन। हम चेन सर्विंग देख रहे थे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हम कंपास सर्विंग देख रहे थे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, लेवलिंग हम लेकिन जो करते हैं वो करते हैं हम वर्टिकल प्लेन में। ठीक है, तो एलिवेशन फाइंड आउट करने का हमें, एलिवेशन फाइंड आउट करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, एलिवेशन फाइंड आउट करने के लिए ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी कि सपोज़ आपके पास अर्थ सरफेस है और अर्थ सरफेस जो है वो इरेगुलर है। सपोज़ आपका अर्थ सरफेस कुछ इस टाइप का है और आपका हमें इस पर कंस्ट्रक्शन करना है, तो हमें कंस्ट्रक्शन जो करना रहेगा उसके लिए हमें जो ग्राउंड सरफेस चाहिए वो क्या चाहिए, स्मूथ चाहिए जिस पर कोई भी आपकी इरेगुलरिटीज़ ना हो। ठीक है, तो यानी कि अब हमें कंस्ट्रक्शन इस पर करना है, तो कंस्ट्रक्शन इस लाइन पर करने के लिए, और सरफेस कैसा है आपका, इरेगुलर है, तो हमें जो उस सरफेस पे जो मिट्टी प्रेजेंट होगी, जो अर्थ प्रेजेंट होगी, या तो जो अर्थवर्क करना होगा उसमें हमें कटिंग और फिलिंग दोनों करना पड़ेगा, कटिंग फिलिंग। अब कटिंग फिलिंग क्या होती है, अब समझते हैं। सपोज ये आपको यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन करना है, इस लाइन पे आपको कंस्ट्रक्शन करना है, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देख रहे हैं तो अर्थ सर्फेस एक्चुअली में इतना ये है, तो यानी कि हमें यहाँ से इतना पोर्शन मिट्टी क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो इसी को हम कहते हैं कटिंग। अब यहाँ पे देखिए ये आपका गड्ढा है, तो हमको इस सरफेस को यहाँ पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिट्टी भरनी पड़ेगी, तो इसको हम कहते हैं फिलिंग। तो हमें कितनी मिट्टी भरनी है या तो कितनी मिट्टी काटनी है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा, जब तक हमें इन पॉइंट्स का, जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स का हमें क्या ना पता हो, एलिवेशन ना पता हो। क्योंकि जब एलिवेशन पता होगा तभी हम बोल सकते हैं कि हमें उस पॉइंट से इतनी मिट्टी हटानी है, उस पॉइंट पर इतनी मिट्टी ऐड करनी है। ठीक है, तो जब तक हमें एलिवेशन पता नहीं होगा, ठीक है, तब तक हम नहीं बता सकते कि कितना कटिंग और फिलिंग का अमाउंट होगा। तो लेवलिंग बेसिकली हम इस पर्पज़ के लिए भी करते हैं कि हमें कटिंग और फिलिंग का वॉल्यूम पता चल जाए। ठीक है, कि हमें कितनी कटिंग करनी है, कितनी फिलिंग करनी है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, बाय नोइंग द एलिवेशन। तो यानी कि जब भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे किसी भी आपका ग्राउंड सरफेस पे, तो हमें उस सरफेस पे डिफरेंट पॉइंट की एलिवेशन मेज़र करनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमें उस सरफेस को क्या बनाना है, एक स्मूथ ग्राउंड बनाना है। ठीक है, एक स्मूथ ग्राउंड बनाना है, तो उसके लिए हमें डिफरेंट पॉइंट की एलिवेशन पता होनी चाहिए। तो अब इसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, अगर हम बात करें तो सबसे पहली बेसिक डेफिनेशन है लेवल सरफेस। अब लेवल सरफेस क्या होता है, उससे पहले हम एक चीज़ और समझते हैं कि देखिए अर्थ क्या है, अर्थ बेसिकली एक स्फेरिकल है, स्फेरिकल शेप की है। ठीक है, लेकिन जो अर्थ का सरफेस है वो स्मूथ नहीं है। क्यों नहीं स्मूथ है, क्योंकि अर्थ के सरफेस पे इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट है। इरेगुलरिटीज़ किस फॉर्म में प्रेजेंट है, माउंटेन्स प्रेजेंट है, वैली प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है, रिवर प्रेजेंट है, तो आपका एक अर्थ सरफेस एक स्मूथ सरफेस नहीं है। लेकिन अगर उन्हीं इरेगुलरिटीज़ का हम एवरेज एलिवेशन ले लें, ठीक है, उन्हीं इरेगुलरिटीज़ का, उन्हीं इरेगुलर सरफेस का हम एक एवरेज सरफेस ले लें, तो वो क्या हो जाएगा, फिर वो अर्थ को इस फॉर्म में शो करेगा। देखिए अर्थ बेसिकली इरेगुलरिटीज़ है, ये आपकी इरेगुलरिटीज़ शो कर रही है। ठीक है, अब इन इरेगुलरिटीज़ का एक एवरेज सरफेस ले लें तो अर्थ आपकी इस टाइप में दिखने लगेगी, तो इसी को हम कहते हैं मीन स्फेरॉइडल सरफेस ऑफ अर्थ, मीन स्फेरॉइडल सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, यानी कि हम इरेगुलरिटीज़ का, जो इरेगुलर सरफेस है उसका एक एवरेज सरफेस ले लें, तो वो क्या दे देगा, एक मीन स्फेरॉइडल सरफेस दे देगा। और मीन स्फेरॉइडल सरफेस कैसा होगा, एक कर्व शेप होगा। ठीक है, एक कर्व सरफेस होगा, क्लियर है। तो अब बात करते हैं लेवल सरफेस क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज अ कर्व सरफेस विच इज़ पैरेलल टू मीन स्फेरॉइडल सरफेस ऑफ अर्थ एंड ईच पॉइंट ऑन लेवल सरफेस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अब देखिए कहने का मतलब है, सपोज हमने अर्थ का छोटा सा पार्ट ले लिया, हमने ये अर्थ का छोटा सा पार्ट ले लिया, मीन स्फेरॉइडल सरफेस का पार्ट ले लिया हमने। ठीक है, मीन स्फेरॉइडल सरफेस ऑफ अर्थ का पार्ट ले लिया हमने, और ये आपका सेंटर ऑफ अर्थ है।
ठीक है। तो लेवल सरफेस क्या होता है? लेवल सरफेस होता है कि ऐसा सरफेस, एक ऐसा कर्व सरफेस जो कि ये मीन स्फेरॉइडल सरफेस है, दिस इज मीन स्फेरॉइडल सरफेस, ठीक है, ऑफ अर्थ, ठीक है। ऐसा सर ऐसा कर्व सरफेस जो मीन स्फेरॉइडल सरफेस ऑफ अर्थ के क्या हो, पैरेलल, ठीक है। तो ये एक पैरेलल सरफेस आ गया। और ऐसा भी सरफेस हो कि जिस सरफेस पे जो हर पॉइंट हो, उस सरफेस पे चाहे जितने पॉइंट हो वो सब सेंटर ऑफ अर्थ से क्या हो, सेम डिस्टेंस पे हो, वो सब सेंटर ऑफ अर्थ से क्या हो, सेम डिस्टेंस पे। तो अगर ये आर है तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, तो लेवल सरफेस क्या हो गया, इट इज डिफाइंड एज अ कर्व सरफेस विच इज पैरेलल टू मीन स्फेरॉइडल सरफेस ऑफ अर्थ एंड ईच पॉइंट ऑन लेवल सरफेस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। अब कितने लेवल सरफेस बन सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेवल सरफेस बन सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेवल सरफेस बन सकते हैं, ठीक है। और उस लेवल सरफेस पे जो भी पॉइंट होगा, ठीक है, वो सेंटर ऑफ अर्थ से क्या होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा, ठीक है, वो सेंटर ऑफ अर्थ से क्या होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा, तो इसको हम लेवल सरफेस कहते हैं। अगर लेवल सरफेस का अगर हम फिजिकल मीनिंग देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि वो अगर हम एक शांत झील का यानी कि एक लेक का या तो रिवर का, एक स्टिल वाटर का अगर सरफेस देखेंगे, रुके हुए पानी का सरफेस देखेंगे, तो वो एक प्रकार का लेवल सरफेस होगा, क्योंकि रुके हुए पानी का सरफेस क्या होगा, एक कर्व होगा, ठीक है, वो ऐसा प्रतीत होगा कि जो आपका मीन स्फेरॉइडल सरफेस ऑफ अर्थ के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो लेवल सरफेस क्या है, अ सरफेस ऑफ स्टिल वाटर, ठीक है, सरफेस मेड बाय स्टिल वाटर, यानी कि रुके हुए पानी, रुके हुए पानी जो सरफेस बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, लेवल सरफेस कहते हैं, ठीक है। अब आता है एक कॉन्सेप्ट लेवल लाइन का। अ लेवल लाइन इज अ लाइन लाइंग इन अ लेवल सरफेस, ठीक है, यानी कि अब जो लेवल सरफेस पे लाइन मिल रही होगी उस लाइन को हम क्या कहेंगे, लेवल लाइन कहेंगे, क्लियर है। अब देखिए लेवल सरफेस क्या है, कर्व सरफेस है, तो अगर एक किसी कर्व सरफेस पे कोई लाइन भी लाई कर रही होगी तो वो भी कैसी होगी, कर्व लाइन होगी। तो लेवल लाइन कैसी होती है, कर्व लाइन होती है। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन की। इट इज़ अ प्लेन थ्रू अ पॉइंट विच इज टेंजेंशियल टू द लेवल सर्फेस एट दैट पॉइंट, ठीक है, इट इज़ अ प्लेन थ्रू अ पॉइंट विच इज टेंजेंशियल टू द लेवल सर्फेस एट दैट पॉइंट। अब इसको समझने के लिए हम ऐसे समझते हैं, ठीक है, ये आपका सेंटर ऑफ अर्थ है, ये मान लेते हैं मीन स्फेरॉइडल सर्फेस ऑफ अर्थ है, और ये आपका क्या है, एक लेवल सर्फेस है, ये आपका इस मीन स्फेरॉइडल सर्फेस ऑफ अर्थ के पैरेलल है, तो मान लेते हैं ये एक लेवल सर्फेस वन है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेवल सरफेस हो सकते हैं, ये आपका लेवल सरफेस टू है, ठीक है, और ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन वो प्लेन होता है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे लेवल सरफेस पे, ठीक है, जो कि लेवल सरफेस पे उस पॉइंट के क्या हो, टेंजेंशियल। कहने का मतलब है अगर हम यहाँ पे, तो ये जो प्लेन होगा, दिस प्लेन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्योंकि ये पॉइंट है, ये दिख नहीं रहा है, ये आपका प्लेन दिख नहीं रहा है, ठीक है, क्लियर है, प्लेन आपका विजिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होगा, लेवल सरफेस के किसी भी पॉइंट से अगर कोई प्लेन पास कर रहे हो और वो प्लेन उस पॉइंट पे लेवल सरफेस के क्या हो, टेंजेंशियल हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। अब देखिए, अब नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल लाइन का कॉन्सेप्ट। तो अब इस प्लेन पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो भी लाइन लाई कर रही होगी उसको हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, वो क्या होगी, स्ट्रेट होगी। देखिए लेवल लाइन क्या होती है, कर्व होती है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। तो दिस इज लेवल लाइन एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। अ लाइन लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए ये तो लेवल सरफेस का कॉन्सेप्ट है। अगर हम एक लेवल लाइन खींच लें तो लेवल लाइन एक कर्व सरफेस होगा, एक कर्व लाइन होगी, तो मान लेते हैं ये लेवल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी, किसी भी पॉइंट पे, अगर हम मान लेते हैं इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी, ऐसी लाइन जो इस पॉइंट से पास हो रही हो और उसी पॉइंट पे वो लेवल लाइन के क्या हो, टेंजेंशियल हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्लियर है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो गई, क्लियर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी हो गया। अब नेक्स्ट आता है वर्टिकल लाइन। अब मान लेते हैं ये आपकी लेवल लाइन थी और ये आपका क्या था, सेंटर ऑफ अर्थ था, दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन क्या होती है, ऐसी लाइन जो कि लेवल लाइन के परपेंडिकुलर हो और वो कहाँ जाती मिल,
और वो कहाँ जाती प्रतीत हो, या तो वो कहाँ जा रही हो वो लाइन, वो टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ हो, यानी कि किसी भी पॉइंट पे वर्टिकल लाइन क्या होगी, ऐसी लाइन जो लेवल लाइन के परपेंडिकुलर हो, और वो कहाँ जा रही हो, वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जा रही हो। तो अगर हम इस पॉइंट पे लेवल लाइन खींचने की बात करें तो लेवल लाइन क्या होगी इस पॉइंट पे, ये लाइन होगी, ठीक है, ये आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द लेवल लाइन, क्लियर है। इस लाइन पे अगर वर्टिकल लाइन खींचना चाहे तो क्या होगी, दिस इज योर वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन क्या होती है, ऐसी लाइन जो लेवल लाइन के परपेंडिकुलर हो और वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जा रही हो, ठीक है। तो यानी कि अगर डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर हम लेवल लाइन खींचेंगे, डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर हम लेवल लाइन खींचेंगे तो सारी लाइंस क्या होंगी, कैसी कहाँ पे मिलती जाएंगी, वो मिलेंगी सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, यानी कि सारी वर्टिकल लाइन कन्वर्ज होती है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और सारी वर्टिकल लाइन हर पॉइंट पे जो होगी, सारी वर्टिकल लाइन हर पॉइंट पे लेवल लाइन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, क्लियर है। तो ये हो गई वर्टिकल लाइन के बारे में बात। अब नेक्स्ट आता है डेटम, इट इज़ अ सरफेस फ्रॉम विच एलिवेशन आज रिफर्ड, ठीक है, यानी कि हमें एलिवेशन निकालना है। एलिवेशन क्या होता है, एलिवेशन होता है वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम अ डेटम और अ रेफरेंस लाइन। तो डेटम क्या होता है, एक रेफरेंस लाइन जहाँ से हम किसी भी पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, वर्टिकल डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। तो हमें वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करने के लिए कौन सी लाइन प्लॉट करनी पड़ेगी, वी हैव टू प्लॉट अ वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो डेटम क्या है, डेटम वो सरफेस है जहाँ से हम एलिवेशन मेजर करते हैं। तो मीन सी लेवल इज़ अ कन्वीनियंट डेटम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यानी कि किसी भी कंट्री में जो एक सी प्रेजेंट होगी, अब जो सी सरफेस होगा उस पर एवरेज और उस पर जो हाई टाइड और लो टाइड का हम एवरेज कर दें, उन हाई टाइड और लो टाइड के एलिवेशन का एवरेज कर दें ओवर अ पीरियड ऑफ 19 ईयर्स, अब जो सरफेस मिल जाएगा दैट विल बी द डेटम सरफेस। अब उसी सरफेस से हम क्या मेज़र करेंगे, किसी भी पॉइंट की एलिवेशन मेज़र करेंगे। तो यानी कि मीन सी लेवल जो होगा वो आपका डेटम होगा किसी भी कंट्री के लिए। इंडिया में मीन सी लेवल कहाँ है, इंडिया में मीन सी लेवल है मुंबई में, यानी कि मुंबई का जो समुद्र है उसका हमने एक मीन सी लेवल निकाल लिया। अब उसी के करस्पॉन्डिंग ऑल ओवर द कंट्री हम हर पॉइंट की एलिवेशन को मेज़र करेंगे। जैसे स्टेशनों पे लिखा रहता है कि समुद्र तल से ऊंचाई, तो समुद्र तल क्या लिया गया, समुद्र तल डेटम लिया गया, वहाँ से हम किसी भी पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं, तो एलिवेशन मेज़र कर रहे हैं। और मीन सी लेवल भी क्या होगा, मीन सी लेवल भी एक क्या होगा, एक लेवल सरफेस होगा, क्योंकि जब हम हाई टाइड और लो टाइड का एवरेज लेंगे तो एक एवरेज सरफेस मिल जाएगा, ठीक है, एक एवरेज सरफेस मिल जाएगा। तो एक वो एवरेज सरफेस क्या होगा, एक कर्व सरफेस होगा। तो एक कर्व सरफेस होगा जो कि मीन स्फेरिकल सरफेस के पैरेलल होगा, तो जो मीन स्फेरिकल सरफेस के पैरेलल होता है उसको हम लेवल सरफेस कहते हैं, ठीक है। तो डेटम हम क्या मानते हैं, डेटम हम मानते हैं मीन सी लेवल को। अब बात करते हैं एलिवेशन की, द एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन और नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द डेटम, यानी कि किसी भी पॉइंट की जो कि सर्फेस ऑफ अर्थ के पास में है, ठीक है, उसकी वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द डेटम इज नोन एज एलिवेशन, ठीक है। देखिए वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमें वर्टिकल लाइन प्लॉट करनी पड़ेगी, और वर्टिकल लाइन क्या होती है, किसी भी वर्टिकल पॉइंट, वर्टिकल लाइन क्या होती है, लेवल लाइन के परपेंडिकुलर, यानी कि अगर किसी भी पॉइंट पे अगर हमें वर्टिकल लाइन प्लॉट करना है तो उस पॉइंट से जो लेवल लाइन पास हो रही होगी वर्टिकल लाइन, उस लाइन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन टू पॉइंट्स इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू लेवल सरफेस इन विच टू पॉइंट लाई, ठीक है, ये हम समझते हैं, ठीक है, हम ये समझते हैं। सपोज ये आपका नेचुरल ग्राउंड सरफेस है, दिस इज़ योर नेचुरल ग्राउंड सरफेस। मैंने जैसे आपको बताया कि अर्थ सरफेस में इरेगुलरिटीज प्रेजेंट है, तो ये आपका एक नेचुरल ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, कहीं पे उठा है, कहीं पे आपका गड्ढा है, फिर कहीं पे उठा है, ठीक है। अब हम ये दो पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं ए एंड बी, तो यानी कि इस पॉइंट की कुछ ना कुछ आपकी एलिवेशन होगी, वर्टिकल डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं कि अब हमको ये भी पता है कि हर पॉइंट से जो आपका जो आपका सरफेस ऑफ अर्थ है उसके हर पॉइंट से कोई ना कोई लेवल सरफेस पास हो रहा होगा, क्योंकि हर लेवल सरफेस पे जो भी पॉइंट पास हो रहा होता है, जो भी पॉइंट लाई करता है उसकी सेंटर ऑफ अर्थ से क्या होती है, इक्विडिस्टेंट होती है, ठीक है। कहने का मतलब है कि सपोज ये आपका सेंटर ऑफ अर्थ है, अब अगर हम बोल दिया कि हमें सेंटर ऑफ अर्थ से डिफरेंट डायरेक्शन में 300 मीटर के पॉइंट चाहिए, तो हमने क्या किया, 300 मीटर के पॉइंट खींच ली, तो दीज आर 300, और इनको ज्वाइन करने वाली, इनको ज्वाइन करने वाले सरफेस को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड लेवल सरफेस,
और इन पे जो लाइन लाई कर रही होगी उसको हम क्या कहेंगे, लेवल लाइन कहेंगे। तो यानी कि कहने का मतलब है डिफरेंट एलिवेशन के या तो डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ हमको अलग अलग लेवल सरफेस मिलता जाएगा। यानी कि यह भी कहा जा सकता है कि हर पॉइंट पे सरफेस ऑफ अर्थ पे एक एक लेवल सरफेस पास हो रहा होगा। यानी कि इस पॉइंट से भी एक लेवल सरफेस पास हो रहा होगा, इस पॉइंट से भी एक लेवल सरफेस पास हो रहा होगा, इस पॉइंट से भी एक लेवल सरफेस पास हो रहा होगा, इस पॉइंट से भी एक लेवल सरफेस पास हो रहा होगा। लेकिन लेवल सरफेस क्या होना चाहिए, पैरेलल टू द मीन स्फेरिकल सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यानी कि इस पॉइंट से एक लेवल सरफेस ये पास हो रहा है, तो हम उस लेवल सरफेस को लेवल लाइन के फॉर्म में शो कर दे रहे हैं, क्योंकि लेवल लाइन, अगर लेवल सरफेस कर्व है तो लेवल लाइन भी क्या होगी, कर्व होगी। अब ये बी से भी एक पॉइंट पास हो रहा होगा, लेवल सरफेस पास हो रहा होगा, उसको हमने एक लेवल लाइन से शो कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, इस ए पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगी। अब देखिए, हमने ये डेटम ले लिया, डेटम क्या होगा, एक लेवल सरफेस होगा ना, समुद्र जो आपका सी सरफेस है उसका हमने एवरेज कर दिया, उसकी हाई टाइड और लो टाइड का एलिवेशन का एवरेज कर दिया ओवर अ पीरियड ऑफ 19 इयर्स, तो आपको एक एवरेज सरफेस मिल जाएगा, ठीक है। और वो एक एवरेज सरफेस क्या होगा, एक लेवल सरफेस होगा। तो आपका ये मान लेते हैं ये डेटम है, और इस डेटम से ही हम क्या करते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो अगर हम पॉइंट ए की बात करें तो ये पॉइंट ए, इससे एक लेवल लाइन पास हो रही होगी, तो यहाँ पे एक लेवल लाइन पास हो रही होगी इससे, ठीक है। पॉइंट बी ले लेते हैं, इस पे भी एक लेवल लाइन पास हो रही होगी। अब इस पॉइंट ए की एलिवेशन क्या होगी, इस पॉइंट ए की एलिवेशन क्या होगी, वर्टिकल डिस्टेंस। और वर्टिकल डिस्टेंस हम किसकी मदद से मेजर करेंगे, विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल लाइन। और वर्टिकल लाइन क्या होती है, लेवल लाइन के परपेंडिकुलर। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो लाइन बना रही है डेटम से, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड एलिवेशन। तो ये एंगल आपका कितना है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो हमने ये एलिवेशन क्या लिखा है, एच ए लिखा है। अब एच बी की बात करें एलिवेशन, ठीक है, अब एच बी की बात करें तो एच बी का एलिवेशन क्या हो जाएगा, एच बी का एलिवेशन ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल भी कितना है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, आपकी वर्टिकल लाइन है। क्योंकि हमको वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करना है, तो वर्टिकल डिस्टेंस विल बी डिफाइंड बाई वर्टिकल लाइन। अगर सी पॉइंट के हमें एलिवेशन मेजर करना होगा तो इस पर हम एक वर्टिकल लाइन प्लॉट कर देंगे, तो ये आपका एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया, एलिवेशन ऑफ सी, यानी कि ये एच सी हो गया, ठीक है, एच सी हो गया। अब हमें ये देखिए, अगर हमें डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पता करना है, यानी कि डिफरेंस ऑफ एलिवेशन बिटवीन टू पॉइंट्स पता करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए एक लेवल सरफेस यहाँ पास हो रहा है, एक लेवल सरफेस यहाँ पास हो रहा है, तो बेसिकली इसकी एलिवेशन क्या है, एच ए है, इसकी एलिवेशन क्या है, एच बी है, यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है, इसकी है समुद्र तल से ऊंचाई एच ए है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई एच बी है। तो इन दोनों के बीच का एलिवेशन डिस्टेंस डिफरेंस क्या होगा, एच बी माइनस एच ए, यानी कि ये, यानी कि यही तो आपका इनके बीच का एलिवेशन डिफरेंस होगा। तो हम कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ एलिवेशन बिटवीन टू पॉइंट्स इज द डिफरेंस बिटवीन टू लेवल सरफेस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। यानी कि एक लेवल सरफेस ए पॉइंट से पास हो रहा था और एक लेवल सरफेस बी पॉइंट से पास हो रहा था, इन्हीं का जो एलिवेशन डिफरेंस है वही तो क्या है, डिफरेंस ऑफ एलिवेशन बिटवीन टू पॉइंट्स। तो कहने का मतलब है, अगर हमें दो पॉइंट्स के बीच का एलिवेशन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो हम उन दोनों पॉइंट्स के, उन दोनों पॉइंट से जो भी लेवल सरफेस पास हो रहा होगा उनके बीच का एलिवेशन अगर पता कर लें, तो वही हो जाएगा आपका डिफरेंस ऑफ एलिवेशन बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ये आपकी कॉन्सेप्ट हो गई लेवलिंग की। लेवलिंग में हम क्या मेजर करते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस क्या होती है, डेटम से किसी भी पॉइंट की हम लेवलिंग में एलिवेशन मेजर करते हैं, सॉरी एलिवेशन क्या होती है, डेटम से किसी भी पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस। और वर्टिकल डिस्टेंस हम मेजर कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल लाइन, ठीक है। वर्टिकल लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द लेवल लाइन। लेवल लाइन क्या होती है, लाइन लाइंग ऑन अ लेवल सर्फेस। लेवल सर्फेस क्या होता है, कर्व सर्फेस विच इज पैरेलल टू द मीन स्फेरिकल सर्फेस ऑफ अर्थ। क्लियर है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपकी लेवलिंग की, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट लेवल सरफेस का हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन का हो गया, वर्टिकल लाइन का हो गया, ठीक है, डेटम का हो गया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर पॉइंट से अर्थ सरफेस पे एक लेवल सरफेस पास हो रहा हो, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि लेवल सरफेस पास हो रहा होगा, एक लेवल लाइन पास हो रही होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर पॉइंट से, क्योंकि जो आपका नेचुरल सरफेस ऑफ द अर्थ है वो आपका स्मूथ नहीं है, वो इररेगुलर है। तो डिफरेंट पॉइंट्स जो होंगे, चाहे वो आपका वैली में हो, चाहे आपका माउंटेन में हो, तो ठीक है, तो जो भी पॉइंट होगा उससे एक लेवल सरफेस पास हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर किसी दो पॉइंट के बीच की एलिवेशन डिफरेंस पता करनी है, तो वो दो पॉइंट के बीच की एलिवेशन डिफरेंस क्या होगी,
उस दो पॉइंट से जो भी लेवल सरफेस पास हो रहे होंगे उनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की एलिवेशन डिफरेंस, तो ये ध्यान रखना है आपको, क्लियर है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन किसी भी पॉइंट से वो लाइन होती है जो कि उस पॉइंट पे लेवल लाइन के क्या हो, टेंजेंशियल हो। इसी तरह हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन किसी भी पॉइंट से क्या होता है, वो प्लेन जो उस पॉइंट पे लेवल सरफेस के क्या हो, टेंजेंशियल हो, क्लियर है। वर्टिकल प्लेन क्या होता है, वर्टिकल प्लेन होता है किसी भी पॉइंट से जो कि ऐसा प्लेन किसी भी पॉइंट से जो कि लेवल सरफेस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है, लेवल सरफेस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अब उस प्लेन में जो लाइन लाई करेगी उसको हम कहेंगे वर्टिकल लाइन, ठीक है, उस प्लेन पे जो भी लाइन लाई करेगी वो क्या होगी, वर्टिकल लाइन। अब हर पॉइंट से कितनी वर्टिकल लाइन पास हो सकती है, अगर हम बात करें हर पॉइंट से कितनी वर्टिकल लाइन पास हो सकती है, हर पॉइंट से केवल एक वर्टिकल लाइन पास हो सकती है।